हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का वेलकम है आरके फिजिक्स पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, क्लियर, और ऐसी छोटी छोटी टर्म्स जो हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में बहुत यूज़ करेंगे, क्लियर। सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं, लैटिस क्या होता है, बेसिस क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या है, ठीक है। तो क्योंकि हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स देखिए क्या है कि एक बेसिकली एक ब्रांच है फिजिक्स की, एक क्या है ब्रांच है फिजिक्स की, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जहां पर आप क्या काम करते हो, आप सॉलिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझते हो, ठीक है। वहां पर आपने कोई सॉलिड है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप पढ़ रहे हो, ठीक, बहुत बढ़िया। मतलब कि जहां पर आप डील करते हो, डील्स विद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मतलब सॉलिड स्टेट फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जहां पर आप सॉलिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज को, केमिकल नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझते हो, पढ़ते हो, और उस ब्रांच को आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहते हो। फंडा क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब सवाल ये आता है कि सॉलिड किसे कहते हैं। तो यार, हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर की तीन स्टेट होती हैं, एक सॉलिड स्टेट, एक लिक्विड स्टेट और एक गैस स्टेट, ठीक है। तो ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारा मैटर है उसकी कितनी स्टेट होती हैं, तीन स्टेट होती हैं। एक होती है सॉलिड स्टेट, एक आपकी हो गई लिक्विड, एक आपकी हो गई गैस, क्लियर। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम ज्यादातर फोकस करेंगे सॉलिड्स पे, लिक्विड में फोकस नहीं करेंगे, गैस पे फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे सॉलिड्स पे, ठीक है। क्लास 12th में आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो सॉलिड है वो फर्दर डिवाइड होते हैं, क्लासिफाई होते हैं दो फैमिलीज में। एक है आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एक होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिनको आप अमॉर्फियस सॉलिड्स, क्लियर। अच्छा, तो ये क्लास 12th में आपने पढ़ा है, हम आपको इस वीडियो में भी बताएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, पहले लिखवा देते हैं। उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी फर्दर डिवाइड होता है दो पार्ट में, एक होता है आपका सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एक होता है आपका पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ये मैटर की और सॉलिड स्टेट की क्लासिफिकेशन है। पहले हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन और अमॉर्फियस की, उसके बाद हम बात करेंगे सिंगल क्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन की, क्लियर। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, चलिए हटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फियस सॉलिड, ठीक है। तो इसके बारे में तो आप पढ़ चुके होंगे क्लास 12th में केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सामने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं आप सब जानते हैं, क्लियर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या काम होता है कि एटम्स जो है वो रेगुलरली और पीरियोडिकली पैक्ड होते हैं, क्लियर भाई। सॉलिड स्टेट की तो डेफिनेशन जानते हो ना कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या काम होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, उस स्टेट को हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। अब सॉलिड स्टेट दो तरीके की हैं, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एक है अमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या काम है कि जो एटम्स हैं, ठीक है, जो एटम्स हैं आपके, एटम्स या मॉलिक्यूल्स कह लीजिए, एटम कह लो या मॉलिक्यूल्स कह लो, अरेंज रेगुलर एंड पीरियोडिकली, क्लियर भाई। रेगुलरली और पीरियोडिकली अरेंज्ड है, रेगुलरली और पीरियोडिकली अरेंज्ड है आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स। सेकेंड बात करते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा कि ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्रिस्टल्स हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्रिस्टल है मतलब लंबा चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 10 बॉल हैं तो तुम उनको ऐसे तो रखोगे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, ठीक है, ये आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा। उसके बाद और क्या बात करते हैं, इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है,
उसके बाद जो पते की बात देखो यहाँ पर क्या है कि ये लो एनर्जी स्टेट में है, इसको हम क्या कहते हैं, लो एनर्जी स्टेट। इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा, इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं अमॉर्फियस सॉलिड की, अमॉर्फियस सॉलिड्स, सो अमॉर्फियस सॉलिड देखो क्या है कि यहाँ पर जो एटम्स हैं और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इररेगुलरली अरेंज हैं, क्लियर। मतलब कि 10 बॉलें हैं, एक तरीका तो यह है कि 10 बॉल को एक एक ऐसे करके एक लाइन में रख दो, रेगुलर अरेंजमेंट में रख दो आप। एक तरीका क्या है कि भस की तरह यूँ करके भर दो, 10 की 10 बॉल यूँ आ गई, तो वो भी सॉलिड है, वो भी सॉलिड है। फ़र्क क्या है कि वो क्रिस्टलाइन है, वो अमॉर्फियस। आया समझ में? हाँ। तो यहाँ पर जो एटम्स हैं और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इररेगुलरली अरेंज है। ठीक, उसके बाद इररेगुलरली अरेंज होंगे तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट बात करते हैं कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इनके हिसाब से लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये हाई एनर्जी स्टेट है, हाई एनर्जी स्टेट, हाई एनर्जी स्टेट, क्लियर। एक प्रॉपर्टी और होती है कि ये एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं और ये आइसोट्रॉपिक करैक्टर दिखाते हैं, ये भी आप जानते होंगे कि ये एनआइसोट्रॉपिक, एनआइसोट्रॉपिक करैक्टर दिखाते हैं। एनआइसोट्रॉपिक करैक्टर क्या होता है कि भाई अगर मान लीजिए ये क्रिस्टल है तो आप इस डायरेक्शन में देख रहे हो तो कंडक्टिविटी या टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी जो वैल्यूज है वो डिफरेंट आती हैं, इस डायरेक्शन देखते हो तो इनकी वैल्यूज अलग आती हैं, क्लियर। लेकिन ये जो है अमॉर्फियस सॉलिड जो है ये आपके आइसोट्रॉपिक करैक्टर दिखाते हैं, ये क्या दिखाते हैं, आइसोट्रॉपिक करैक्टर। मतलब किसी भी डायरेक्शन में देख लो ज्यादातर सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम होगी। ठीक, अब बात करते हैं कि ये लो एनर्जी स्टेट और हाई एनर्जी स्टेट क्या है। देखो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, यहां से सुनना मेरी बात को, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो लो एनर्जी स्टेट है। मतलब कि जब एटम्स रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, पीरियोडिकली अरेंज्ड होते हैं, तो वो बहुत ही लो एनर्जी स्टेट में होते हैं, एटम्स की एनर्जी बहुत लो होती है। लेकिन अगर हम अमॉर्फियस में चले जाए जहाँ पर इररेगुलर अरेंजमेंट है तो वो हाई एनर्जी स्टेट होती है, एटम्स वहाँ पर हाई एनर्जी स्टेट में होते हैं। इतनी बात समझ में आती है? तो ज़्यादातर इस हमारे ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में ज़्यादातर जो सॉलिड्स हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, अमॉर्फियस सॉलिड बहुत कम होते हैं, होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होते, होते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को भी, मोस्टली सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन, ज्यादातर सॉलिड्स आपको किसमें मिलेंगे, क्रिस्टलाइन में मिलेंगे। अब सवाल ये आता है क्रिस्टलाइन में क्यों मिलेंगे, क्योंकि वो लो एनर्जी स्टेट है। ये तो नेचर का रूल है कि हम लो एनर्जी में, लो प्रेशर में रहना चाहते हैं, चाहे एटम हो चाहे इंसान हो, आई बस समझ में। तो इसीलिए ज्यादातर सॉलिड्स आपको क्रिस्टलाइन स्टेट में मिलते हैं, और इस पूरी सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम क्रिस्टलाइंस पर ही फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम अमॉर्फियस पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम क्रिस्टलाइंस पे फोकस करेंगे, क्लियर। इसको अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्रिस्टलाइन के टाइप्स की, सिंगल क्रिस्टल किसे कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हटाए देखें ध्यान से, जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ये फर्दर डिवाइड होते हैं दो पार्ट में, एक आपका है सिंगल क्रिस्टल क्लियर, और एक है आपका पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड, देखो ये भी है सॉलिड और कैसे सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, लेकिन हल्का सा फर्क है।
सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड देखो क्या होते हैं कि एटम्स जो हैं वो रेगुलरली अरेंज हैं, कोई ब्रेक नहीं है, कोई डिसलोकेशन नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है, रेगुलरली अरेंज है। उनको हम क्या कहते हैं, मतलब एक ही क्रिस्टल पूरा बना हुआ है, पूरा एक ही क्रिस्टल है, कोई और उसके अंदर कोई ब्रेक नहीं है, कोई डिसलोकेशन, कोई डिफेक्ट कुछ नहीं है, सिंगल क्रिस्टल आप उसे कहते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना कुछ, मैं ड्राइंग बना लूँ थोड़ी सी, रुको। ऐसे ही जुड़ जुड़ के आगे तक जा रहा है, एक ही क्रिस्टल से पूरा का पूरा सॉलिड बन रहा है, पूरा का पूरा। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ऑब्वियसली बात है, क्लियर आई बात समझ। देखो पूरा का पूरा इन्फिनाइट तक ये जा सकता है, इन्फिनाइट तक जा सकता है, ऐसे कोई ब्रेक नहीं है, कोई डिफेक्ट्स नहीं है। वहीं अगर हम बात करें पॉली क्रिस्टलाइन की, तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगे। कुछ इस तरीके से, मतलब अगेन इतना हिस्सा क्या था, रेगुलर अरेंजमेंट था, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर आए, लेकिन हल्का सा यहाँ पर डिफेक्ट आ गया। इसको कहते हैं ग्रेन। इस चीज़ को क्या कहते हैं, ये जो चीज़ है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रेन। क्लियर, ग्रेन बाउंड्री भी इसको आप कह सकते हैं, ग्रेन बाउंड्री बाउंड्री। और इस एक कंटिन्यूस क्रिस्टल को आप क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइट क्रिस्टलाइट। ये क्रिस्टलाइट है, ये भी क्रिस्टलाइट है, क्रिस्टलाइट। आई बस समझ में। तो इनको आप क्या कहते हैं, ग्रेन, ग्रेन बाउंड्रीज कहते हैं। ग्रेन आ गया, हल्का सा क्या आ गया, टिक, हल्का से वो इरेगुलर हो गए, उसके बाद फिर रेगुलर हो गए, फिर टिक इरेगुलर हो गए, फिर रेगुलर हो गए। तो ऐसे क्रिस्टल्स को अगेन रेगुलर है, तो ये पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। ये पूरा एक सिंगल क्रिस्टल है, पूरा एक सिंगल क्रिस्टल। तो इन्हें आप क्या कहते हैं, सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ऑब्वियसली बात है, आप देख भी सकते हो यार मेरे, इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी, इसकी स्ट्रेंथ बहुत बेकार होगी। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी, हाई स्ट्रेंथ। इसकी कैसी स्ट्रेंथ होगी, हाई स्ट्रेंथ। लेकिन इसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी, लो स्ट्रेंथ। क्लियर, मतलब कि हाई टेम्परेचर पर या हाई बॉइलिंग पॉइंट पर या फिर हाई वेट पर, हाई टेंशन पर ये क्या काम करेंगे, बहुत ज़्यादा वजन झेल लेंगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी झेल लेंगे। क्यों, क्योंकि एक ही क्रिस्टल है पूरा। क्लियर, सारे एटम्स एक तरीके से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये अगर आप मान लीजिए हाई वेट या टेंसल स्ट्रेंथ देखें, या फिर इसकी आप कह सकते हैं कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट देखें, तो ऑब्वियसली बात है बहुत जल्दी टूट जाएगा, इसकी स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिंगल क्रिस्टलाइन एंड पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं कि कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में बहुत ज़रूरी हैं, जैसे लैटिस, बेसिस, यूनिट सेल। ठीक है, इनको देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए। सो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, जीरो से हीरो तक जाएंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, हर एक वीडियो लेक्चर्स आपको मिलता रहेगा हर एक टॉपिक का। सो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, देखिए ध्यान से बस पढ़ाई करिए आराम से। सो कुछ सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैटिस की, इसको आप क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं। ठीक है, लैटिस की और क्रिस्टल लैटिस की, तो पहली बात मेरी ये समझो कि एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल में कोई लैटिस पैटिस नहीं है, ये मैं सिर्फ और सिर्फ एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब ये है क्या, एक लैटिस क्या दिखाता है,
एक लैटिस जो है वो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन प्लेन या फिर स्पेस। क्लियर? यहां से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, देखो ये एक सॉलिड है, ये क्या हो गए, इसके बहुत सारे एटम्स होंगे, एटम जुड़ जुड़ के ये पूरा सॉलिड बना रहे हैं, ठीक है। उन एटम्स का कोई पैटर्न होगा, ऐसे तो नहीं रख दिए होंगे एटम, जो एटम्स रखे गए हैं उनका कोई पैटर्न होगा। तो अगर मैं क्या काम करूं कि मैं सारे एटम्स को हटा दूं, इस सॉलिड के सारे एटम्स को हटा दूं और सिर्फ उन जहां पर एटम था मैं वहां पर सिर्फ डॉट रख दूं, एक पॉइंट रख दूं और उस पैटर्न मतलब एक तरीके से इसका एक ढांचा बना दूं पॉइंट्स का, इसका क्या बना दूं, इस सॉलिड का क्या बना दूं, एक ढांचा बना दूं पॉइंट्स का। उस ढांचे को जो एक्चुअल में नहीं है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, उस ढांचे को आप लैटिस कहते हैं। आया नहीं आया? क्लियर? आया नहीं आया? ध्यान से समझ लें, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है प्लेन लैटिस और एक है स्पेस लैटिस। तो वहाँ मैं नहीं जा रहा, सिर्फ प्लेन लैटिस समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक सॉलिड है, ये एटम है सॉलिड के, ये एक सॉलिड है और ये इसके एटम है। हमने क्या काम करा, हमने जहां पर एटम था हमने पॉइंट्स ले लिए, इमेजिनरी पॉइंट्स ले लिए कुछ इस तरीके से और उन एटम्स को हटा दिया, उन एटम्स को हटा दिया। तो ये जो आया इसको हम लैटिस कहते हैं। एक्चुअल में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का सिर्फ अरेंजमेंट दिखाता है किसी एक प्लेन में या किसी एक स्पेस में। फंडा समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको आप क्या कहते हो, लैटिस कहते हो। अब ये कितना भी हो सकता है, ठीक है, ये कितना भी हो सकता है, ये आपका क्या है, लैटिस है। अब एक पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट, जहां पर आपका कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल यहां पर रखा जाएगा, ठीक है। वही समझ में आया लैटिस क्या है। अब एक चीज ध्यान रखना लैटिस में, ईच लैटिस पॉइंट, एवरी लैटिस पॉइंट है आइडेंटिकल सराउंडिंग्स, इस चीज को ध्यान रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया मेरे, देख ध्यान से समझना, भैया भी बहने भी जो मुझे देख रही हैं, एवरी लैटिस, हर एक लैटिस पॉइंट जो होगा उसकी सेम आइडेंटिकल सराउंडिंग्स होंगी। का कह दिया, का कह रहे हो, देखो ध्यान से, ये एक लैटिस है, ये लैटिस कब होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी ये लैटिस होगा। ध्यान से समझो, ये एक पॉइंट है, मान लो ये एक पॉइंट है, ये इससे ए डिस्टेंस दूर है, इससे ए डिस्टेंस दूर है, इससे ए दूर है, इससे ए दूर है, और मान लेते हैं इससे बी दूर है, इससे बी और इससे बी, ठीक है। यही फंडा अगर मान लो इस लैटिस में भी लगना चाहिए, ये ए दूर है, ये ए दूर है, ये ए दूर है, ये ए दूर है, ये बी दूर है, ये बी दूर है, ये बी दूर है, ये बी दूर है, मतलब ये कि जो इसकी सराउंडिंग्स थी वही इसकी सराउंडिंग होनी चाहिए, वही इसकी सराउंडिंग होनी चाहिए, वही इसकी सराउंडिंग होनी चाहिए, वही इसकी सराउंडिंग होनी चाहिए। हर एक लैटिस पॉइंट की अगर सेम सराउंडिंग्स है तब तो वो आपका लैटिस होगा, ठीक है। ऐसा क्यों सर जी, ऐसा क्यों सर जी, नहीं भैया का, ठीक है, ऐसा क्यों भाई साहब, ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ रहे हैं, हम अमॉर्फस सॉलिड नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ रहे हैं जहाँ पर एटम्स रेगुलरली अरेंज होते हैं। अब रेगुलरली अरेंज का मतलब ये है कि हर एक लैटिस पॉइंट जो होगा वो सेम सराउंडिंग्स में होगा, हर एक लैटिस पॉइंट की एक आइडेंटिकल सराउंडिंग्स होगी। फंडा क्लियर हुआ? फंडा क्लियर हुआ तो जल्दी से नोट कर लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? लैटिस समझ में आया, लैटिस पॉइंट क्लियर हो गया, फंडा क्लियर हुआ। अब इसमें एक छोटी छोटी चीज़ें और हैं, प्लेन लैटिस, स्पेस लैटिस, बड़ी कन्फ्यूजन होती है जो छोटे मतलब जो बच्चे को नहीं समझ पाते, बड़ी कन्फ्यूजन होती है। मैं भी जब मैं पढ़ रहा था सॉलिड स्टेट फिजिक्स मुझे भी कभी समझ में नहीं आया कि प्लेन लैटिस स्पेस लैटिस क्या है, तो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझाता हूँ। देखो ये तो इम्पोर्टेंट है भाई, है ना, प्लेन लैटिस देखो क्या है, प्लेन लैटिस का मतलब ये है कि अगर आप एटम्स को, सॉरी एटम्स तो यहीं है ही नहीं अभी,
लैटिस पॉइंट्स को एक प्लेन में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, प्लेन में अरेंज करते हो लैटिस पॉइंट्स को, तो आपने क्या बनाया, प्लेन लैटिस बनाया। ठीक है, मतलब ये अगर आप अरेंज करते हो लैटिस पॉइंट्स को इन प्लेन, अगर आपने प्लेन, आसान भाषा में दो डायमेंशन, अगर आपने प्लेन, मतलब फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, अब इसमें मैंने लैटिस पॉइंट्स बना लिए, तो वो मैं क्या बनाऊंगा, प्लेन लैटिस बनाऊंगा, स्पेस लैटिस नहीं। स्पेस लैटिस क्या होता है, स्पेस लैटिस होता है कि जहां पर आप अरेंज करते हो लैटिस को या फिर लैटिस पॉइंट्स को, सॉरी, इन स्पेस। स्पेस मतलब वॉल्यूम, थ्री डायमेंशन, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, मान लो यहाँ पर मैंने कोई, मान लो ये है, अब इसका मैंने एक वो बनाया ढांचा लैटिस पॉइंट्स का, तो ये क्या होगा, स्पेस लैटिस होगा, और ये क्या होगा, प्लेन लैटिस होगा। ठीक है, फंडा क्लियर हो, जल्दी से नोट करें। नेक्स्ट बात करते हैं हम बेसिस की, नेक्स्ट बात किसकी करते हैं, बेसिस की, हटाए। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिस की। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो कि बेसिस किसे कहते हैं। बेसिस, तो बेसिस बेसिकली क्या है, एक ग्रुप है, ग्रुप है एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का जो अटैच होगा विद ईच लैटिस पॉइंट To give a crystal, a real crystalline, a real crystal. Clear? भाई अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, ये क्या था, एक सॉलिड है, हमने क्या काम करा था, यहां पर ये किसी एटम या किसी मॉलिक्यूल से मिलकर जुड़ जुड़ के बना होगा। अगर हम उन एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हटा दें तो यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ एक ढांचा बनेगा जिसको हमने कह दिया लैटिस, और यहाँ पर पॉइंट्स होंगे, जहाँ पर एटम से हटाए वो वहाँ पर क्या बन जाएंगे, पॉइंट्स बन जाएंगे, वैकेंसीज बन जाएगी, जिसे हमने कह दिया लैटिस पॉइंट, जिसे हमने क्या कह दिया, लैटिस पॉइंट कह दिया। ठीक है, अब जो एटम, क्या ये रियल क्रिस्टल है, ध्यान सुनो, उसे अभी एटम को छोड़ो, क्या ये सिर्फ एक लैटिस बना, तो क्या ये एक रियल क्रिस्टल है, क्या रियल सॉलिड है, नहीं है, हमने तो इमेजिनरी मान रखा है कि इसको वुट करके हटा दी और एक इमेजिनरी हमने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट मान लिया लैटिस का, लैटिस पॉइंट्स का, तो ये रियल क्रिस्टल तो है नहीं। अब इसको रियल कैसे करना पड़ेगा, जो इसके एटम्स होंगे उनको उठा उठा के लैटिस पॉइंट में डालना पड़ेगा, वो जो एटम्स होता है या ग्रुप ऑफ एटम्स होता है या अरेंजमेंट हो या मॉलिक्यूल कुछ भी होता है, उसको हम बेसिस कहते हैं। अरे भाई साहब नहीं आया, नहीं आया। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नमक है, सोडियम क्लोराइड NaCl, अब NaCl का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमने क्या काम करा, NaCl एक साथ होगा, हमने उसे हटा दिया, तो एक ढांचा बन गया लैटिस। अब वो लैटिस पॉइंट में अगर हम NaCl को रखते चले जाएं तो पूरा NaCl का क्रिस्टल रियल क्रिस्टल बन जाएगा। NaCl यहाँ पर क्या है, वो बेसिस है, एक ग्रुप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल जिसको हम हर एक लैटिस पॉइंट के साथ अटैच करते चले जाते हैं और एक रियल क्रिस्टल बनाते हैं। पंडा समझ में आया, क्लियर हुआ। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये मान लीजिए क्या है, मान लीजिए ये क्या है, क्यूबिक लैटिस है, ये एक स्पेस लैटिस है क्यूब का, और ये क्या है, लैटिस पॉइंट्स है। ठीक है, अब ये सिंपली एक लैटिस है, क्या ये रियल क्रिस्टल है, नहीं। कब रियल क्रिस्टल होगा, जब हम क्या काम करेंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल लैटिस पॉइंट्स के अंदर रख देंगे। मान लो NaCl है, तो मैंने NaCl रख दिया ऐसे करके, NaCl, अब ये क्या बन गया, एक रियल क्रिस्टल बन गया NaCl का। फंडा समझ में आया कि नहीं आया, बेसिस का फंडा क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बात देखें ध्यान से, नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम यूनिट सेल की। ठीक है, हटाए। हाँ एक चीज और, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर कब बनेगा, अगर हम मैथमेटिकली देखें तो कैसे बनेगा, लैटिस में
प्लस कर दो बेसिस। आइए बस समझ में, अगर कोई भी रियल क्रिस्टल है, जैसे मैंने अभी आपको NaCl वाला एग्जांपल बताया, पहले एक क्यूबिक लैटिस था, लैटिस था, कोई रियल क्रिस्टल नहीं था। क्या कोई रियल क्रिस्टल था? कोई क्रिस्टल का स्ट्रक्चर था? नहीं था। लेकिन अगर हम उसमें बेसिस जोड़ देंगे तो हाँ, अब हमें रियल क्रिस्टल रियल क्रिस्टल मिल जाएगा और क्रिस्टल का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं, बहुत ही एक अच्छा सा रिलेशन है सॉलिड स्टेट फिजिक्स का, कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो लैटिस प्लस बेसिस के इक्वल होगा। अब याद रखना है, ये जो चीज़ है ये एक्चुअल में फिजिकली एग्जिस्ट करती है, ये फिजिकली एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये फिजिकली एग्जिस्ट करती है, ये एक रियल कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुनना, ये एक रियल कॉन्सेप्ट है। भाई साहब क्रिस्टल को देखते हो ना, रियल है हाँ, लेकिन जो लैटिस है ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है और ये आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये तो रियल ही है। फंडा क्लियर हो? जल्दी से नोट करें। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट सेल की। देखो यूनिट सेल क्या है, तो यूनिट सेल तो आपने क्लास 12th में ही पढ़ी है। तो बेसिकली ये क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ प्लेन लैटिस या फिर स्पेस लैटिस विच कैन बी ट्रांस या फिर कंस्ट्रक्ट इंटायर क्रिस्टल बाय ट्रांसलेशनल रिपीटेशन। क्लियर? सो यूनिट सेल क्या है, एक स्मॉल है, छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है प्लेन लेडीज स्पेस लेडीज का, जो रिपीट हो के पूरा लैटिस या पूरा क्रिस्टल बनाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए ये क्या है, लैटिस है, ये क्या है, लैटिस है। अब ये क्या है, प्लेन लैटिस है, ये क्या है, प्लेन लैटिस। ठीक जी, तो यहाँ पर आप वॉल्यूम तो देखोगे नहीं क्योंकि दो डायमेंशन का है, तो क्या देखोगे, एरिया। तो सबसे छोटा एरिया यहाँ पर कौन सा है, सबसे छोटा एरिया कौन सा है जो रिपीट हो के पूरा आपका लैटिस बना रहा है, ऑब्वियसली बात है ये वाला। अब ये क्या है, एक पूरा छोटा सा क्या है, यूनिट सेल है, एक आपकी यूनिट सेल है, मतलब स्मॉलेस्ट एरिया है जो जुड़ जुड़ के पूरा क्या बनाएगा, एक लैटिस बनाएगा। अब अगर मान लो ये ओरिजिन ए है, तो ये इसका ए पोजीशन वेक्टर होगा इस वाले लैटिस पॉइंट का, और ये बी पोजीशन वेक्टर होगा। तो इन ए बी को पता है क्या कहते हैं, इन ए बी को कहते हैं बेसिस वेक्टर। क्या कहते हैं, बेसिस वेक्टर। ये नहीं आता तो ये लिखो ट्रांसलेशनल वैक्टर, सॉरी भैया मेरे वही आसान था, ट्रांसलेशन वैक्टर। अब ट्रांसलेशन का क्या मतलब होता है, कि एक लाइन में चलना, उसे आप ट्रांसलेशन कहते हैं, लीनियर मोशन। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, जो t होगा ट्रांसलेशन वेक्टर, t जो होगा दिस इज ट्रांसलेशन वेक्टर, ये क्या होगा, a और b का रिजल्टेंट होगा, लेट से दिस इज t। तो इसका मतलब हम क्या है, कि हम यहां पर चले, और जब हम यहां पर चले तो अगेन एक और लैटिस यूनिट सेल हमें मिल गई, ये a वेक्टर, ये b वेक्टर, इनका t यहां पर आएगा, अगेन हमें एक और यूनिट सेल मिल गई। तो हम इस लाइन में चल रहे हैं और हमें यूनिट सेल मिलती चली जा रही है, मतलब ये यूनिट सेल रिपीट हो रही है और पूरा क्रिस्टल बना रही है। फंडा समझ में आया, क्लियर हुआ? ये तो प्लेन लैटिस की बात हुई, प्लेन लैटिस में जो एरिया होगा, एरिया ऑफ यूनिट सेल, वो किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस बी। ठीक है, अगर आप स्पेस लैटिस में हो, अगर मान लो आप स्पेस लैटिस में हो, तो छोटा सा एरिया थोड़ी ना होगा, छोटा सा वॉल्यूम होगा। प्लेन लैटिस में तो छोटा सा एरिया है, स्पेस लैटिस में तो छोटा सा वॉल्यूम होगा जो जुड़ जुड़ के पूरा क्या बना रहा होगा, लैटिस बना रहा होगा।
तो उसके तीन वेक्टर होंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। इनको हम अगेन क्या कहते हैं, बेसिस वेक्टर्स, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होगा यूनिट सेल का, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगेन समझ में आया, क्लियर हुआ। सो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमने आपको बताई, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया सॉलिड स्टेट फिजिक्स का, सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या होती है, सॉलिड्स के टाइप कितने होते हैं, और लैटिस क्या होता है, लैटिस पॉइंट क्या होता है, स्पेस लैटिस, प्लेन लैटिस, बेसिस, यूनिट सेल। क्लियर। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।